36 प्लस बस तो बहुत अच्छे हैं, बट पेपर इजी आया था। बेकार हुआ, पास हो जोगे? नहीं होता भाई। एग्जाम बढ़िया हुआ, कर दिया भाई पेपर के साथ। एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ। मारूंगा डिलीट, तुझे नहीं मारूंगा। यही है वो लड़का जिसने कमेंट किया था भाई नीचे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब सही होंगे। गाइस खड़ा हूँ यार मैं सेक्टर 22 मॉडल के सामने, ठीक है। एग्जाम खत्म होने वाला है बच्चों का, 12 बज चुके हैं, ठीक है। इस वक्त जो है बच्चे ना बहुत ही तेज तेज लिख रहे होते हैं भाई, जिनका छूट रखा होता है ना क्वेश्चन एक आधा, वो भी बहुत स्पीड में लगे होते हैं भाई अपने पेपर को पूरा करने के लिए। बच्चे कुछ आज हमारे साथ राज नारक का, इसके भी पेपर चल रहे हैं और ये हमारे साथ घूम रहे हैं। हाँ भाई, कैसे हो रहे तेरे पेपर? मस्त हो रहे भाई, मस्त हो रहे। कौन सा छूट गया मेरा भाई? अभी पहले था, तो किस चीज का था? छूट गया 20 नंबर का, छूट गया है। छूट गया 20 नंबर का। चलो कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर के अंदर जो है ना बच्चे बाहर आने वाले हैं, बस बच्चों का वेट कर रहे हैं। पहली भी जो वीडियो हमने बनाई थी यार आपके सामने, स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑन फिजिक्स एग्जाम, वो भी बहुत बढ़िया जो है आपका सपोर्ट रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि यार वही जो है बेसिकली वीडियो के अंदर वही थे यार, उन्होंने ही बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बोला, खुद ही पर्सनली उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जाओ और 22 मॉडल में जाओ। और मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ यार, मेरी +1 +2 यहीं से हुई है। नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था मैं, ठीक है। हमारा एक टीचर हुआ करता था भाई, उनका नाम था खालसा, ठीक है। तो उस टाइम पे भाई हमें मतलब वो फिजिक्स पढ़ाया करते थे, तो मुझे उस दिन याद आ रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं जाऊँ वहाँ पे ना उनसे मिल के आऊँ, बट काफ़ी टाइम हुआ यार मैं उनसे मिला नहीं। आज अगर मौका मिला तो आज उनसे जरूर मिलेंगे, अगर उनकी कहीं ड्यूटी ना लग रखी हो तो जाएंगे अंदर, उनसे एक बार जरूर मिलेंगे। और बच्चों से ही बात करनी है भाई, बस वेट कर रहे हैं बच्चों का। देख सकते हो आप मेरे सामने है सेक्टर 22 का मॉडल स्कूल, ठीक है। तो बस वेट है यार हमें, तो बने रहो यार वीडियो में। जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे हम उनसे रिव्यू करेंगे, उनसे क्वेश्चंस करने वाले हैं कि भाई एग्जाम कैसा हुआ तुम्हारा, आ जाना। तो बस बने रहो वीडियो में। भैया एग्जाम कब तक खत्म होगा? 12:30 तक, ठीक है। बच्चे 12:30 बजे आने शुरू हो जाते हैं ना बाहर, ठीक है ठीक है। तो भाई बच्चे आ चुके हैं बाहर ना, वो देखो सामने से गेट के सामने से बच्चे बाहर आना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। एग्जाम जो है ख़त्म हो चुका है और पेरेंट्स भी बच्चों के बाहर आते हैं, वेट करते हैं उनका, ठीक है, उनको पूछने के लिए कि भाई एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक है। तो हम भी आज आ रखे हैं बाहर ही पूछने के लिए, रिएक्शन लेने के लिए स्टूडेंट्स का कि कैसा हुआ एग्ज़ाम। काफ़ी देर से खड़े, आधा घंटा हमें लगा था 12 बजे जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, बट नहीं, CBSE ने कुछ नए जो है पॉलिसीज निकाली, नए रूल्स निकाले हैं कि भाई 12:30 बजे से पहले बच्चों को छोड़ना नहीं है, पूरे टाइम पे छोड़ना है। पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, गार्ड ने बताया हमें। तो बाकी देखते हैं यार, बच्चों से पूछते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ। हेलो, कैसे हो, कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? अकाउंट्स का एग्ज़ाम था आपका आज, क्या लगता है कितने मार्क्स आ जाएंगे? आ जाएंगे 36+। 36+ बस? तो बहुत होते हैं। 40 का एग्जाम था ना। ओके, तो एग्जाम पेपर दिखाना आपको, कौन सा सेट आ रहा, कितने सेट आ रखे थे एग्जाम में? 3 थे। ओके, 3 सेट थे, ठीक है ठीक है। तो मतलब आपने अकाउंट्स वाले हो ना आप, तो कौन सा टॉपिक थे जो आपने कवर करे थे, मतलब आज क्या सोचा था, क्या क्या आएगा, आया वो सारा? आया तो सारा ही था, बट पेपर इजी आया था। पेपर इजी था कंपैरिजन में। ओके, इस बार पेपर इजी थे, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो बच्चे देख सकते हो भाई अपने बैग्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ना। और हमने एक बच्चे से पूछा भी है, एक स्टूडेंट से पूछा भी हमने कि कैसा हुआ, तो बोल रहे हैं कि भाई अच्छा हो गया एग्ज़ाम, 35-40 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। बाकी और बच्चे भी बहुत सारे आ रहे हैं बाहर, उनसे भी एक बार जानते हैं कि भाई कैसा हुआ उनका एग्ज़ाम। ये बच्चों की देखते हैं, तो बच्चे जा रहे हैं भाई देखो बाहर। हेलो बच्चे, भाई जवाब ही नहीं दे रहे, अच्छी बात है। चलो भाई, कई कई बार लोग हमें इग्नोर भी कर देते हैं, ये भी हमें झेलना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। पूछते हैं कैसे हो भाई, एग्जाम कैसा हो भाई? बढ़िया हो गया, ठीक है। तो भाई अंदर चलते हैं, बच्चों को एग्जाम के बगैर पूछते हैं कैसा हुआ एग्जाम भाई। बेकार हुआ, पास हो जोगे? नहीं होता पास। ओ यार, कौन सा स्कूल है तुम्हारा? 20 मॉडल, ठीक है ठीक है। यार ऐसे तो तुमने से पूछो, बुरी खबर दी। कौन सा लड़का? ये लाल बैग वाला। अच्छा, लाल बैग वाला, विशाल बुला रहे भाई। लाल बैग वाले का कैसा हुआ? लाल होगी क्या उसकी भी? क्या हाल है भाई, कैसा हुआ एग्जाम? पूछना क्या हो गया, बताओ तो। बढ़िया गया। बढ़िया गया, पास हो जाएगा? अच्छा क्या बात है। तो भाई कैसे हो भाई, कैसे हो भाई एग्जाम? फूल आ गया। अच्छा फूल आ गए। अच्छा कैसा हो भाई एग्जाम? बढ़िया हुआ, ठीक है भाई ठीक है। हेलो कैसा हो भाई एग्जाम? कर दिया भाई पेपर के कर दिया। तो मतलब अगले साल फिर? अच्छा हेलो, एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ। तो भाई देख सकते हो भाई बच्चे काफी भीड़ बाहर को आ रही है। कैसे हो भाई, कैसा हो एग्जाम?
बढ़िया 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 हो गया, पक्की बात है, पास हो जाओगे देख लो। क्या हाल है भाई? हेलो ब्रदर, कैसे हो भाई? बाल तो सेक्सी है तुम्हारे, कैसे हो पेपर बताओ तो? पेपर कैसा? बढ़िया हुआ? अच्छा ठीक है ना, पक्की बात है? ये डिलीट मारने नहीं मारूंगा, डिलीट तुझे नहीं मारूंगा। यही है वो लड़का जिसने कमेंट किया था भाई नीचे, क्या मैं तो पास ही नहीं हुआ भाई। कैसा हुआ? पॉइंटों पे पास होने वाले हो ना? पॉइंटों पे पास वाले नहीं भाई, पास ही नहीं हुआ यहाँ से। अरे पास ही नहीं हुआ भाई, छोड़ दी। भाई अब क्या करे भाई बताओ भाई, वीडियो बना लो करो, बोलो क्या कहना चाहते हो भाई, बोलो। पूरी मतलब वो है, देख लो भाई, बच्चे जो हैं काफी हद तक जो हैं बाहर आ रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, कुछ का चेहरा उतरा हुआ है, कुछ खुश लग रहे हैं। ठीक है, हम भी कोशिश कर रहे हैं सबसे जानने की भाई कि कैसा हुआ उनका एग्जाम, क्योंकि बच्चों को ना हमेशा से यही रहता है कि यार एग्जाम के बाद ना एग्जाम खत्म होना चाहिए, वो सर बाहर भागते हैं, घर की तरफ भागते हैं। कईयों के तो एग्जाम आज खत्म भी हो गए हैं, कईयों के शायद होंगे अभी बाकी। ठीक है, तो वही लोगों से जानते हैं भाई, बच्चों से जानते हैं कि उनके एग्जाम अभी रहते हैं या उनका लास्ट एग्जाम था आज। अकाउंट्स का एग्जाम था आज, और अकाउंट्स में काफी मैथ वाले होते हैं ना भाई क्वेश्चन सारे। ठीक है ना, तो भाई मैथ वाले अकाउंट्स जो ये स्कूल है ना, इसमें भी अकाउंट्स है। हिसाब किताब बनाना होता है, हिसाब किताब तो बिगड़ गया भाई सबका आज, मुझे ऐसे शक्लें देख के तो यही लग रहा है। हेलो कैसे हो, एग्जाम कैसा हुआ आपका? भाई भाग रही हैं लड़कियां देख लो। ठीक है, वो लोग हमें देख के अंदर भाग जा रहे हैं यार, हमारी शक्ल इतनी गंदी है क्या? कमेंट करके बताओ, पूछते हैं इनसे। हेलो कैसे हो, एग्जाम कैसा हुआ आपका? शर्मा क्यों रहे हो, बता दो। हेलो भाई देख लो, इग्नोर किया जा रहा है, साफ है ना, तो कोई बात नहीं, बट ये भी हमें झेलने को मिलता है कई कई बार। ठीक है, बच्चों का एग्जाम शायद अच्छा नहीं हुआ इसीलिए मुंह लटका के बैठे हैं। ठीक है, बाकी ये बता नहीं रहे हैं, कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, तो इनकी मर्जी है भाई। लड़के तो भाई मस्त हैं आगे ना, लड़कियां ज्यादा शर्मीली लग रही है मुझे, उधर को पीट करके घूम चुकी है भाई सारी की सारी। भाई यहाँ के बच्चे तो बहुत शर्मीले हैं, हम चलते हैं 10 मॉडल अपने मतलब जिगर के टुकड़े पे। ठीक है, हमारा जिगर का टुकड़ा है 10 मॉडल, वहाँ भी पढ़ा हूँ यहाँ भी पढ़ा हूँ, बट यार यहाँ के बच्चे ज्यादा ही, कुछ 20 सेक्टर की लड़कियाँ आ रखी है, ज्यादा ही शर्मीली हैं कुछ। तो हम चलते हैं भाई यहाँ से सेक्टर 10 की ओर, और मिलते हैं भाई आपको बाद में। सेक्टर 10 के बाहर आए थे, बच्चे जा चुके हैं। यहाँ पे जो धनास वाले बच्चे आए थे ना, काफी सही थे यार, मतलब उनसे हमने जो जो पूछा उन्होंने सही सही जवाब दिया। ठीक है, वहाँ की लड़कियाँ थोड़ी ज्यादा शर्मीली थी 20 सेक्टर 20 मॉडल की। ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, आपने देखा जो भी था, जो भी हम आपके लिए बना पाए वो आपके सामने है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।